घर से ही स्कूल में आने के बाद हमारे। और आज मैं आ गई थी बाजार, बाजार से एक खरीदना था सूट। सूट खरीदने के बाद फिर और जो घर के जो काम होते हैं वही सब करती हूँ। दोपहर का समय था, बहुत ज़्यादा दोपहर हो रही थी, तो यहाँ पर मैं सूट ले रही थी और पूछ रही थी भैया से कि भैया कटा फटा तो नहीं निकलेगा, ये सब मैं देख रही थी। और ये वीडियो बनाई थी मेरी बेटी ने, यानी कि बच्चे जैसे बनाते हैं वैसे उन्होंने भी वीडियो बना डाला था। ये सूट लेके आ गए थे हम अपने घर पे। और ये कितनी बड़ी दुकान है, कितनी काफ़ी अच्छे अच्छे हर एक रेंज के सूट यहाँ पर मिलते हैं। लो भी मिल जाता है, हाई क्वालिटी भी मिल जाती है। जैसे किसी को लेना हो वैसे सूट यहाँ पर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मिलते हैं। ये नहीं है कि अनफ्रेंड प्राइस पे लेते हैं भैया, यहाँ पर बहुत मिलते हैं स्कूल के बच्चों के। और यहाँ पर मैं दो रही थी कपड़े, यानी कि कुछ दिनों से क्लिप्स बनी हुई रखी थी, मैं ऐड नहीं कर पा रही थी। जैसे स्कूल से आने के बाद मेरा क्या रूटीन रहता है, मैं क्या क्या करती हूँ, वही किसी किसी दिन की कुछ छोटी छोटी क्लिप बनी हुई रखी थी जो मैं वीडियो में यूज नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने चलो एक साथ सबको आज इकट्ठा करके जोड़ देते हैं। और ये ही मेरा रूटीन सब रहता है। जैसे आ जाती हूँ तो गर्मी से चेहरा जो बेकार सा हो जाता है, तो यहीं पर मैंने एलोवेरा की फ्रेश पत्ती तोड़ी थी, यानी कि जो घर में एलोवेरा लगा के रखते हैं वही सब मैंने यूज कर लेना है। यही करती रहती हूँ मैं स्किन पर अपने। तो यहाँ पर एक पत्ती को यानी कि लिप को मैंने ले लिया था, उसी का जेल में निकाल निकाल के पत्ती सही भी उसे अपने चेहरे पर रगड़ रही थी। एलोवेरा की पत्ती है ये, थोड़ा धूप में रहने से ना ऐसे हो गए गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं कलर एलोवेरा के, क्योंकि छत पे रखे हैं, नीचे रहते हैं तो ग्रीन ग्रीन रहते हैं ज़्यादा। वही सब मैं अपने चेहरे पर इसी से अच्छे से मसाज कर रही हूँ ताकि स्किन अच्छे से ग्लोई हो जाए। फिर यहाँ पर मेरा स्नान हो चुका था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्कूल से आती हूँ, सबसे पहले जो मुझे काम करने होते हैं, जो मेरे काम पेंडिंग रह जाते हैं स्कूल जाने के बाद, मैं सारे अपने सारे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ थोड़ी बहुत नहाने के बाद, वही सब मैं यहाँ पर कर रही थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ले लिया है हाथ पे और इसी को मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड, खाने के साथ साथ अपनी स्किन की भी केयर करनी चाहिए, अपने हेयर की भी केयर करनी चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों में वैसे भी ज़्यादा लू वगैरह चलती रहती हैं एंड स्किन ड्राई होने लगती है। ऐसे तो पसीने ज़्यादा रहते हैं लेकिन फिर भी स्किन ड्राई होती रहती है। पानी खूब अच्छे से पीना चाहिए, जाड़ों में तो मन नहीं करता लेकिन गर्मियों में तो खूब अच्छे से पानी पीते हैं सभी लोग। यहाँ पर बस मैं हल्की सी एक लिपस्टिक लगा लेती हूँ होठों पर और बस यही हो जाएगा मेरा स्किन केयर, जो मैं नहाने के बाद हमेशा करती हूँ, ये मैं स्किप नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ होठों को मॉइस्चराइज करने के लिए, ताकि हवा से भी होठ ना ड्राई ड्राई से हो जाते हैं अगर नहीं लगाते हैं तो। ड्राई स्किन किसे अच्छी लगती है, किसी को भी नहीं है ना। यहाँ पर अब मैं अपने हेयर में पोंछ लेती हूँ, यानी कि सुखा लेती हूँ इन्हें भी सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गीले बाल रखना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एक तो मुझे सर्दी भी थी, बुखार फीवर आया हुआ था अभी भी, कई दिन तक रहा। स्कूल चले जाते थे, बस स्कूल से आने के बाद फिर फीवर हो जाता था। गई थी कुछ दिन, मैंने सोचा चलो कुछ दिन स्कूल और खुलते हैं तो चले जाएंगे, क्या करेंगे फिर तो घर पे ही रहना है। तो वही सब मेरा रूटीन है ये, जो मैं नहाने के बाद अपना करती हूँ जरूर डेली में। थोड़ा सा सिंदूर फैल गया है इधर से, कोई बात नहीं, सिंदूर जितना लगा उतना अच्छा होता है, बराबर के सिंदूर लगाना चाहिए नहीं मांग में। तो वही सब मैं कर रही थी। और बाहर शोर कर रहा है, सड़क में बच्चे खेल रहे हैं, आप इग्नोर कीजिएगा, बच्चे पड़ोसियों के काफ़ी चिल्ला के खेलते हैं और बच्चे अच्छे लगते हैं सभी को, है ना। बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है। बालों को दुपट्टा है मेरे पास ही, जो मैं बालों के लिए रखती हूँ स्पेशल, इससे मेरे बाल एकदम अच्छे रहते हैं, ना तो मेरे बाल टूटते, क्योंकि ज़्यादा भारी टॉवल जो हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बाल ज़्यादा खींचते हैं, ज़्यादा टूटते हैं। और भारी कपड़े से हमें कभी अपने बालों को नहीं झटकना चाहिए, जितना हल्का टॉवल हो, गमछा हो, अंगोछा हो, जो भी आप बोलते हो। ये दुपट्टा मैंने अपने बालों को सुखाने के लिए रखा हुआ है, इसलिए तो धूप से जो मैं यूज करती रहती हूँ इसी को यूज करती हूँ ज़्यादा, जिससे बाल पतले कपड़े से बाल झटकने से टूटते भी नहीं है। फ्रेंड, ये हमेशा आपको ध्यान रखने वाली बात है।
अगर आपने गौर किया होगा तो आपने ध्यान किया होगा कि जब भी हम भारी कोई चीज़ अपने सर पे रख रहे हैं तो काफ़ी भारी भी लगती है, और हमारे बाल भी जो गीले रहते हैं उनकी जड़ें काफ़ी कमज़ोर रहती हैं, बाल टूटने का ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा चांस बना रहता है। तो फ्रेंड बस यही था मेरा आज का रूटीन, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, एंड आपका मन हो तो शेयर भी कर दीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर शेयर जरूर कीजिएगा, जो फ्रेंड मेरे रोज़ आते हैं वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।